बेटा तेरा बेटा जी तो रहे तुझे देवी मैया बड़ोदे जो इस दुकान को बंद करवाए। इन्होंने चढ़ाई है, इन्होंने चढ़ाई ट्रिप आपको। आपकी तो फार्मा की डिग्री है, आप ट्रिप कैसे चढ़ा रहे हैं? इसमें को कितने बच्चे मर चुके हैं पहले, जो कोई आवे डिलीवरी करे। हाँ। रात को हाय हाय मरती हम तो गेट नहीं खोलते हैं। अरे हम सब जानते हैं, इसमें सिर्फ 8 सेक्टर की कुआरी लड़की ब्याही लड़की सब ऐसे आती हैं, इसमें गंदी जनानी आती है। यहाँ पर डिलीवरी भी होती है बच्चों की? हाँ, डिलीवरी के बारे में तो पता, पर अबॉर्शन के बारे में नहीं पता था। अंदर भी मशीन आपके कहने पर देख का सब चीज लग रही थी अंदर, तो इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं। इंजेक्शन लगाने का है आपके पास अथॉरिटी? ये आप ड्रिप लगाते तो हैं सर, ये लगी तो है, देखिए ना, तो लगाया होगा आपने, लगाते तो हैं। अरे बेटा पैसा चाहिए यहाँ पे लोग अन्ने, तो तू बुरे कर्म करे जा, यहाँ पे लोग बहुत भ्रष्टाचारी हो रहे हैं। एक हम गरीब हैं, हमारा फूटा पड़े हो, हम एक किराएदार भी नहीं रखते। हमने आपको दिखाया कि कैसे नोएडा झोला छाप का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पर बिना डिग्री वाले डॉक्टर कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बाद आप लोगों का जो प्यार मिला उससे हमारी इस मुहिम को एक नई ऊर्जा मिली है, और उसके लिए हम आप सभी दर्शकों के बहुत आभारी हैं। इसलिए झोला छापों के खिलाफ शुरू की गई इस मुहिम की कड़ी में आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं जिसे देखने के बाद आप लोगों को खुद पर गर्व महसूस होगा कि आपने जो हमारा समर्थन किया वो सही के लिए किया। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आपको बता दें, जब हमारी टीम इन झोला छापों का पर्दाफाश करने नोएडा की सड़कों पर उतरी थी तो हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा मात्रा में ये झोला छाप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जब हमारी टीम झोला छापों की पड़ताल करने नोएडा के हरोला गांव पहुंची तो पहले तो वहां का हाल भी हमें वही दिखा जो हमने बाकी जगहों पर देखा था। क्या नाम है सर? एमडी प्रसाद। एमडी प्रसाद, क्या डिग्री है साहब आप? बीएमएस की डिग्री है। अच्छा, तो एक बार देख सकते हैं क्लिनिक आपका? इवांस हेल्थ केयर है, एक बार देखते हैं। यहाँ पर कुछ वार्ड सा भी लग रहा है। कौन है भाई साहब यहाँ? डॉक्टर साहब आप ही हैं क्या? अच्छा, आइए आइए। इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं? इंजेक्शन लगाने का है आपके पास अथॉरिटी? सब लगाते हैं। सब लगाते हैं? आप भी लगा रहे हैं? हम भी लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं। क्यों अथॉरिटी? ये आपने वार्ड रख रखा है, ड्रिप भी चढ़ाते होंगे आप। आइए डॉक्टर साहब, इधर आइए ना, आप ही का क्लिनिक है। कौन है डॉक्टर यहाँ पर? कौन है डॉक्टर यहाँ पर? खुल के कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि हम यहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है? हम भी ड्यूटी करते हैं हॉस्पिटल में। ये आप ड्रिप लगाते तो हैं सर, ये लगी तो है, देखिए ना, पुराना है तो लगाया होगा आपने, लगाते तो हैं। ये लग रहा है कि मतलब लगाते, कभी कभार हो जाता है, लगा देते हैं, बहुत कम लगता है। डॉक्टर कौन है, ड्रिप कौन सा आपने लगाई? सामने आते हैं तो ये देखिए, ड्रिप लगा रखी है यहाँ पर पेशेंट को। और ये एक मेडिकल स्टोर है जिसके अंदर जो है ये क्लिनिक बनाया हुआ है। मेडिकल स्टोर के अंदर ये क्लिनिक बनाया हुआ है, क्लिनिक है। अच्छा, दिखाइए भाई साहब, सर्टिफिकेट तो इन्होंने लटका रखे हैं 3-4, दिखाइए। अच्छा, कितने पेशेंट देख लेते हैं डॉक्टर साहब? पेशेंट कुछ नहीं देखते हैं, 2-4 सुबह 2-4 शाम। अच्छा, और यहीं बैठते हैं क्लिनिक में या फिर और भी कुछ है? मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। कौन से हॉस्पिटल? नाइट में श्रीराम हॉस्पिटल। श्रीराम हॉस्पिटल में जाते हैं। कौन है डॉक्टर यहाँ पे, नाम तो बताइए डॉक्टर साहब का। लाइट जलाइए थोड़ी सी। ये इनका आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी गौतम बुद्ध नगर, मतलब आपकी बीएएमएस की डिग्री है ना? अच्छा, फार्मासिस्ट हैं, आपकी डिग्री है, आप बैठे हुए मेडिकल पे, बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन ये जो डिग्री है ये आयुर्वेदिक की है, और यहाँ पर जो आप ड्रिप चढ़ा रहे हैं ये आपके पास अधिकार नहीं है। तो आप बताइए भाई साहब, ये ड्रिप आप बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी ड्रिप कौन चढ़ा करके गया इनको? आपको ड्रिप किसने चढ़ाई भाई साहब? ये जो बैठे हुए हैं बाहर, इन्होंने चढ़ाई है, इन्होंने चढ़ाई ड्रिप आपको। आपकी तो फार्मा की डिग्री है, आप ड्रिप कैसे चढ़ा रहे हैं? सर मैंने नहीं चलाया, बट मैं बात अभी बोल रहे हैं ना, आपकी फार्मा की डिग्री है। मैं फार्मेसी के लिए बाहर रहता हूं, मैं बाकी बात। और आपके जो डॉक्टर साहब है, जो आप बता रहे हो, आप जो मेरे को सर्टिफिकेट दिखा रहे हो, ये आयुर्वेदिक का सर्टिफिकेट है भाई साहब। तो क्या आप क्या काम करते हैं वहाँ पर, बताइए थोड़ा।
मरीज की देखभाल करते हैं, इंजेक्शन वगैरह सारी चीज़ सारा कुछ लगाते, सारा काम करते हैं। अच्छा, तो यही चीज़ आप अपने क्लिनिक में भी करते हैं? हाँ, वही करते हैं। इस सर्टिफिकेट पे आप ड्रिप नहीं चढ़ा सकते किसी को? मेडिकल स्टोर तो आपने पूरा का पूरा खोल रखा है ना, इंजेक्शन भी आप दे रहे हैं, ड्रिप भी दे रहे हैं पूरी। ये देखिए डस्टबिन की हाल देखिए, ये ड्रिप चढ़ाई हुई है, इंजेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, और ये पूरा यहाँ पर इंतजाम हो रखा है। ये देखिए ब्लड टेस्ट भी करते हैं ये डॉक्टर साहब, इनके पास आयुर्वेदिक की डिग्री है और ये ब्लड टेस्ट भी करते हैं, ब्लड सैंपल कलेक्ट करने का पूरा इनके पास पूरा साजो सामान है इनके पास। ये वार्ड देखिए आप, इन्होंने बना रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हालात हैं, न्यूबलाइजर मशीन भी इन्होंने रख रखी है, एक बार इस पर भी नज़र मारी है, ये न्यूबलाइजर मशीन इन्होंने यहाँ पर रखी है, ठीक है। ब्लड कलेक्ट करने के लिए पूरे सैंपल के लिए इनके पास ये देखिए पूरा सामान है, ये जिसमें ये लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है। इंजेक्शन इनके पास हैं, ब्लड सैंपल के लिए इनके पास पूरा साजो सामान रखा हुआ है, ड्रिप इन ये लोग चढ़ा रहे हैं। तो ये हालात हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये फार्मासिस्ट हैं और अंदर पेशेंट बता रहा है कि इन्होंने भाई साहब ड्रिप लगाई है, इन्होंने, इनकी शक्ल दिखाइए एक बार कैमरे पर। ये भाई साहब मना कर रहे हैं लेकिन पेशेंट बोल रहे हैं कि इन्होंने ही लगाई है। चलिए, डॉक्टर साहब बड़े ईमानदार हैं और ईमानदारी के साथ में डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि भाई हम इंजेक्शन भी लगाते हैं, ड्रिप भी चढ़ा देते हैं। तो ये ईमानदारी सबके अंदर होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब के अंदर में है, BAMS की डिग्री है, एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन डॉक्टरों को बिल्कुल भी प्रशासन का खौफ नहीं है, क्योंकि इनको पता है प्रशासन तो कुंभकर्णी नींद सोए बैठा है और ये मौत के सौदागर किसी गरीब के साथ हुई दुर्घटना को पैसे के नीचे आसानी से दबा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने जनहित के लिए शपथ ली है कि जब तक प्रशासन सड़क पर उतरकर इन मौतों के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तब तक हम भी चैन की नींद नहीं सोने वाले। और हम आपके सामने ऐसा खुलासा करने वाले हैं जिसे जानने के बाद कुंभकर्णी नींद में सोया प्रशासन भी झटपटाने लगेगा। जब हमारी टीम नोएडा के इस गांव में फर्जी डॉक्टरों की पड़ताल कर ही रही थी तो हमें कुछ ऐसी चीज़ दिखी जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हरोला गांव की इन गलियों में घूमते घूमते जब हमारी टीम स्क्रीन पर चल रही इस गली में पहुंची तो हमें एक प्रिया क्लिनिक नाम से चल रहा एक क्लिनिक दिखा। जब हमने इनके बोर्ड पर नज़र डाली तो जो बोर्ड पर लिखा हुआ था उसे पढ़ने के बाद हम पूरी तरह से हैरान रह गए। आप खुद देखिए इस बोर्ड पर क्या कुछ लिखा था। टाइमिंग भी देखिए, 10 बजे से 2 बजे तक की टाइमिंग है सुबह के, और शाम को 5 बजे से 10 बजे तक की टाइमिंग यहाँ पर इन्होंने लिख रखी है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये क्लिनिक खुलता है। और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारे यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज तसल्लीपूर्वक किया जाता है, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, बवासीर, भगंदर एवं महिला संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। और यहाँ पर सुविधा भी लिखी हुई है कि हमारे यहाँ से सभी प्रकार का ऑपरेशन करवाया जाता है। इनके बोर्ड पे ही मेंशन है कि हमारे यहाँ पर सभी प्रकार का ऑपरेशन कराया जाता है, ठीक है। किडनी का पथरी, पित्त की थैली, बच्चेदानी इत्यादि, हमारे यहाँ सभी प्रकार का ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा इनके पास उपलब्ध है, ECG की सुविधा इनके पास उपलब्ध है, और ECHO मतलब ECHO CT स्कैन MRI करवाया जाता है। ये सारी सुविधाएं जो हैं भैया अस्पताल में होती हैं और ये इनके क्लिनिक में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर। तो देखा आपने, खुलेआम ये झोला छाप अपने फर्जीवाड़े का प्रचार किस तरह कर रहे हैं। बोर्ड पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लोगों की जिंदगी के साथ किस तरह के खेल खेले जाते हैं। जब हम इस क्लिनिक के अंदर पहुँचे तो डॉक्टर साहिबा, जिनका नाम सुनीता है, वो पहले ही यहाँ से फरार हो चुकी थी, क्योंकि इनको पता चल चुका था कि हम इनका पर्दाफाश करने वहाँ पहुँचने वाले हैं। आप खुद देखिए इस क्लिनिक के अंदर हमारी टीम ने क्या कुछ देखा। आपको क्लिनिक के हालात दिखाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं। ये देखिए एक छोटा सा ये बोर्ड बना रखा है इन्होंने, और यहाँ पर भी इन्होंने एक बेड जो है वो डाल रखा है, और यहाँ पर ये दवाइयाँ कुछ रखी हुई हैं। और ये देखिए भैया सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट इनके पास जो है BEMS की डिग्री है, बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है, होम्योपैथिक की डिग्री है इनके पास, ठीक है। ऊपर जो है DH, काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये भी होम्योपैथिक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनके पास है। दोनों मतलब इनके पास जो भी डिग्री है यहाँ पर जो इन्होंने मेंशन सर्टिफिकेट अपना कर रखा है, दोनों सर्टिफिकेट इनके पास है, और दोनों में जो है आयुर्वेदिक इलाज का इनके पास सर्टिफिकेट है। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन भी हो रहा है, न्यूबलाइजर मशीन यहाँ पर रखी हुई है,
इसके साथ ही इंजेक्शन तो आप देखिए, ब्लड टेस्ट के लिए इन्होंने पूरी यहाँ पर सुविधा है इनके पास। यहाँ पर आप आएंगे तो ये ब्लड टेस्ट के लिए जो सैंपल जिस पे इकट्ठे किए जाते हैं ये वो है इनके पास। ये यहाँ से ब्लड भी कलेक्ट करते हैं और ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। जैसे कि इन्होंने बाहर लिखा हुआ है सारी सुविधा उपलब्ध है, तो बिल्कुल इनके पास सारी सुविधा उपलब्ध है। ब्लड टेस्ट भी आप यहाँ से करा सकते हैं, पेट में पथरी हो, महिला संबंधित, तो इनके पास सारी सुविधाएँ हैं भाई साहब। ये देखिए ड्रिप, ये इन्होंने यहाँ पर यहाँ मरीजों को, पेशेंट्स को यहाँ पर लेटा करके यहाँ पर ड्रिप चढ़ाई जाती है। ठीक है, हालात देखिए एक बार यहाँ के, ये थोड़ा डस्टबिन पे भी नज़र डाल रही है। ये ड्रिप इतनी चढ़ाई जा चुकी है, इतने मरीजों का इलाज जो है ये लोग कर चुके हैं अभी सुबह से अभी तक, 3 ड्रिप ये लोग चढ़ा चुके हैं। आप देखिए क्या व्यवस्था, क्या हालात हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के नोएडा के अंदर में, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये हालात हैं नोएडा के स्वास्थ्य व्यवस्था के। आप इधर आइए, इस डस्टबिन पर आप ज़रा नज़र मारिए एक बार, ये ड्रिप भी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो पूरा ऑपरेशन का इन्होंने पूरा सामान रख रखा है। देखिए ग्लव्स है, ठीक है, पूरा मास्क है, और ये देखिए ये मशीन आप देख रहे हैं ना, ये अल्ट्रासाउंड के लिए आई थिंक मशीन होती है। ये जो मशीन इन्होंने रख रखी है, ये कौन सी मशीन है, ये फेटल डॉपलर, ये मशीन है, और ये अल्ट्रासाउंड के लिए या फिर बच्चे के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है वो मशीन है ये इनके पास। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर नीचे आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँगा यहाँ के हालात। ये इन्होंने जो दवाइयाँ रख रखी हैं, ये इंजेक्शन देखिए, और ये इंजेक्शन कौन से हैं इस पर भी एक बार नज़र डालेंगे। ये जो इंजेक्शन हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन IP ऑक्सीटोसिन है, और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये इंजेक्शन, ये दूसरा इंजेक्शन जो इन्होंने रख रखा है, ठीक है, ये डेक्सोना है। ये जितने भी ये इंजेक्शन हैं ये प्रेगनेंसी के बाद महिला के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सारे इंजेक्शन जो है इन्होंने वो रख रखे हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पर जो इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए, ये देखिए इसको आप, मुझे लगता है कि आप जानते होंगे कि भाई साहब ये क्या है, ये क्या चीज है और इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका इंजेक्शन जो है जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय पर इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। और यहाँ पर ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये जो बेड लगा रखा है इन्होंने, ये ऑपरेशन के लिए इन्होंने लगा रखा है, और यहाँ पर बच्चे पैदा किए जाते हैं। ये देखिए ये हालात हैं नोएडा के स्वास्थ्य व्यवस्था के, जिसके कारण इस तरीके के झोला छाप डॉक्टरों को, इन झोला छाप डॉक्टरों को जो है इतनी खुली छूट मिली हुई है लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की। बिना डिग्री के ये लोग इस तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और खुलेआम अपने बोर्ड पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, ये लोग लिख कर भी चल रहे हैं कि भाई साहब जो हम इस तरीके की सुविधा आपको देते हैं। तो देखा आपने, इस क्लिनिक के अंदर ऑपरेशन करने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर इन झोला छापों ने एक पूरे वार्ड के साथ ऑपरेशन थिएटर भी बना रखा है, जहाँ पर बच्चे की डिलीवरी के साथ एबॉर्शन करने तक का पूरा इंतज़ाम मौजूद है। आप खुद सोचिए, बिना डिग्री के ये झोला छाप ना जाने कितने ही मासूमों के साथ ज़िंदगी और मौत का ये खेल यहाँ पर खेलते होंगे, और ऐसा करने में इन्हें किसी बात का डर नहीं है। ये बात इनका ये बोर्ड खुलेआम चीख चीख कर बता रहा है। जब हमने इनके बारे में आसपास के लोगों से जानना चाहा, तो पहले तो कैमरे के सामने लोगों ने इस बात पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन हमें इस क्लिनिक के बिल्कुल सामने रहने वाली एक बूढ़ी महिला मिली, जिन्होंने इस क्लिनिक के सारे राज हमारे कैमरे पर बिना डरे खोल डाले, जिसे सुनने के बाद हमारे रोंगटे भी खड़े हो गए। सुनिए जरा इन बूढ़ी महिला ने हमें क्या कुछ बताया। माता जी, ये क्लिनिक है, यहाँ पर क्लिनिक में जो डॉक्टर साहब बैठती हैं, सुनीता, डॉक्टर सुनीता, ठीक है, वो लोगों का इलाज कर रही हैं, वो बच्चे भी यहाँ पर पैदा किए जा रहे हैं, ठीक है, पूरा ऑपरेशन थिएटर बना रखा है, आप लोगों को जानकारी है इस बारे में, बिना डिग्री के वो ऐसे इलाज कर रही है। बेटा तेरा बेटा जी तो रहे, तुझे देवी मैया बड़ो दे जो इस दुकान को बंद करवाए, इसमें तो अत्याचार हो रहा है।
अत्याचार हो रहा है, कैसे माता जी बताइए थोड़ा, आप खुल के बताइए। इसमें कितने बच्चे मर चुके हैं पहले, जो कोई आवे डिलीवरी करे हाँ। रात को हाय हाय मरती हम तो गेट नहीं खोलते, अब ये हमारे से रो जाएंगे, जो कहेंगे तुमने चुगली लगाई है इसको, ये कोई बड़ी डॉक्टर नहीं है, इसने सुसरी ने यहाँ खोल रहा था, कुआरी ब्याह इनको जो आती है, ये पैसा चाहिए लोगों ने और बस। आप सुन रहे हैं, ये माता जी जो हैं ये मेरी दादी की उम्र की हैं, और इन्होंने पता नहीं कितने बच्चों को यहाँ पर, ये खुद अपने मुंह से बता रही है कितने बच्चे यहाँ पर जो है वो जो है अपनी जान गंवा चुके हैं इन फर्जी डॉक्टरों के चक्कर में। और बताइए माता जी क्या क्या होता है। इसकी दुकान हुआई हाँ। मार्केट शर्मा में। अच्छा, हम तो बेटा कभी दो पैसा की गोली भी नहीं लेते इसके थे। देखो हम सब जानते हैं, आपको जानकारी है इस वजह से आप नहीं लेते। अरे हम सब जानते हैं, इसमें सिर्फ आठ सेक्टर की कुआरी लड़की, ब्याही लड़की सब ऐसे आती हैं, इसमें गंदी जना नहीं आती हैं। आप सुन सकते हैं, अगर आपको सुनाई तो नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता दूं यहाँ पर शटर बंद होने की भी आवाजें आ गई, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर लोगों को पता लग गया होगा जो ऐसे फर्जी क्लिनिक चला रहे हैं, ऐसे मीडिया वाले आए। पहले ही खड़े पाए हम लिख रहे हैं तो यही न्यू कहेंगे हम, तो कल कुछ हमने शिकायत लगाई। इतना ज्यादा यहाँ पर इस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो कई सारे बच्चों की बच्चे जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं यहाँ पर, महिलाओं के साथ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो यहाँ पर किसी और ने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। अरे बेटा पैसा चाहिए यहाँ के लोगों ने, तो तू बुरे कर्म करे जा, यहाँ के लोग बहुत भ्रष्टाचारी हो रहे हैं, एक हम गरीब हैं, हमारा फूटा पड़े हो, हम एक किराएदार भी नहीं रखते, हम बात कहेंगे हम पर दल के बीच में कहवाल है, कोई जनों नहीं, ये कौन सी कोई MBBS डॉक्टर है? नहीं MBBS तो नहीं है, डिग्री लिखी हुई है ना, BAMS है, ये एक आयुर्वेदिक डिग्री होती है, ये इलाज नहीं कर सकते ऐसा। तो लिखवाली होगी। नहीं ये इलाज नहीं कर सकते, ये डिग्री में भी लिखा हुआ है कि ये इलाज नहीं कर सकते, फिर भी लोग इनके पास आ रहे हैं, लोगों को जानकारी नहीं होती है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी जब इस तरीके के इतने सारे हादसे हुए फिर भी लोग यहाँ पर आते हैं। वो गंदे आदमी आते हैं जो गर्भ गिरवाते हैं, वे आते हैं। अच्छा यहाँ पे बच्चा भी गिराया जाता है? अरे ऐसे आते हैं, मैं कहीं बैठी रहूं। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं माता जी, लोग यहाँ पर जो आते हैं बिल्कुल गंदे आते हैं। गोली भी नहीं लगी कभी आज। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, हमारे गेट के आ गए। बताइए आपका घर है ये और उसके सामने इस तरीके की चीजें होती है? रात भर भी चार चार आदमी हमारे यहाँ बैठे रहते हैं, हम क्या करें। आप भी परेशान हैं? परेशान है। तो आप माता जी की बात सुन रही हैं, यहाँ पर माता जी ने साफ साफ इनकी खुद हैं, इनका घर है ये और घर के सामने ये क्लिनिक है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो गंदे लोग आते हैं, जो बच्चे यहाँ पर गिरवाने के लिए आते हैं, बच्चे गिराने का भी यहाँ पर काम होता है। आप खुद सोचिए कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये नोएडा में हो रही हैं, गौतम बुद्ध नगर में हो रही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत जो है वो इस जैसे ऐसे डॉक्टर जो हैं वो ख़राब करे हुए हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है, क्योंकि वो प्रशासन अगर ये सारी सुविधाएं अपने यहाँ पर ठीक करके रख ले तो लोग ऐसे क्लिनिकों पे आना बंद कर देंगे, ऐसे क्लिनिकों पे ऐसे यहाँ पर ताले लग जाएंगे ऐसी दुकानों पर। और भी लोग हैं यहाँ पर और उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को पता है यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवम। शिवम नाम है, आप यहीं रहते हैं? हाँ भाई। आपको पता है इस क्लिनिक में क्या क्या होता है? नहीं भाई। आपको नहीं पता? नहीं, मैं तो ऐसे डॉक्टर समझता था इन्हें भाई, डॉक्टर हैं ऐसे। अच्छा, यहाँ पर ऑपरेशन भी होता है? आप पता लगी है भाई यार, आपने सुने आपके मुंह से, अभी देखा मैंने, मैं तो हम तो पास में रहते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं पता। अच्छा, ये पता है आपको कि यहाँ पर डिलीवरी भी होती है बच्चों की? हाँ डिलीवरी के बारे में तो पता, पर अबोर्शन के बारे में नहीं पता था, अंदर अभी मशीन आपके कहने पर देख का सब चीज़ लग रही थी अंदर। तो देखिए यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनको भी नहीं पता है कई लोगों को कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लोगों को पता है यहाँ पर कि यहाँ पर ऑपरेशन होते हैं, बच्चों की डिलीवरी होती है। एक यहाँ पर माता जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। माता जी यहीं रहती हैं आप? हाँ यही रहती हूँ। आपको पता है यहाँ पर ऑपरेशन होता है बच्चों का, डिलीवरी होती है, कब से हो रही है? अब ये तो मुझे पता ना कब से हो रही है भैया, अब हमें क्या पता, हम तो कभी गए ना इसकी दुकान। मतलब कितने साल से ये क्लिनिक को यहाँ पर, कितना टाइम हो गया? ना मुझे नहीं पता, अंदाजा नहीं है, अंदाजा नहीं है। तो सुना आपने, ये बूढ़ी महिला साफ साफ इस क्लिनिक की हकीकत बता रही है कि कैसे यहाँ हर रोज मौत का खेल खेला जाता है। ये खुद बता रही है कि रोज रात इनकी चौखट पर जिंदगी और मौत का इंतजार चलता है, और ना जाने कितने ही मासूम दुनिया देखने से पहले ही इन झोला छापों के कारण इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। साथ ही यहाँ पर लड़कियाँ भी अपना गर्भपात कराने आती हैं, जो कि गैर कानूनी है। अब आप खुद ही सोचिए
कि इन झोला छापों ने ना जाने कितने ही मासूमों की जान ली होगी, ना जाने कितने ही परिवारों ने इनके कारण अपनों को खोया होगा। अब हम सवाल पूछते हैं उस प्रशासन से जो कुंभकर्णी नींद सोए हुए है। जो अभियान हमने चलाया है, क्या ये अभियान उन अधिकारियों को नहीं चलाना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी इन झोला छापों के खिलाफ कार्रवाई करने की है, या फिर ये किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? अगर प्रशासन की ओर से सरकारी व्यवस्थाएं ठीक होती तो क्या कोई भी गरीब इन झोला छापों के पास अपनों को ले जाता? अब क्या हमारी इस रिपोर्ट के बाद बड़े दफ्तरों के एसी वाले कमरों में बैठे उन अधिकारियों की आँख खुलेगी और इन झोला छापों के खिलाफ ये लोग भी सड़क पर उतर कर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें, जब हमने इस अभियान की शुरुआत की थी तो हमें यकीन नहीं था कि हमें ये सब देखना होगा, लेकिन जब हमने अपनी आंखों के सामने नोएडा में चल रहे इस मौत के खेल को देखा तो हमें बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि राजधानी के इतने करीब और देश के इतने बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की शोइंग विंडो कहे जाने वाले नोएडा का ये हाल होगा। आप खुद सोच कर देखिए तो देश के बाकी शहरों का क्या हाल होगा, पूरे देश का क्या हाल होगा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जनहित टाइम्स जनहित के लिए ये मुहिम तब तक चलाता रहेगा जब तक प्रशासन खुद अपनी कुंभकर्णी नींद से उठकर इन झोला छापों की दुकान पर ताला नहीं लगा देता। जय हिंद।